तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फोन की गैलरी लॉक खोल के दिखाने वाला हूँ। इस फोन की गैलरी लॉक में लगा है प्राइवेसी लॉक। अब इसका खोलना काफी जरूरी है, मुझे इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फोटो है, तो भाई मुझे तो ये लॉक चाहिए। मुझे फोन को रीसेट नहीं करना है, न ही हमारा डाटा डिलीट करना है, बस किसी भी तरह मुझे ये लॉक जो है वो खोलना है। मुझे इसका सिक्योरिटी पासवर्ड भी पता नहीं है। जब मैं फॉरगेट करता हूँ पासवर्ड, तब हमें पूछ के आता है कि एंटर योर प्राइवेसी पासवर्ड। तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपना प्राइवेसी लॉक खोल सकते हो, अपना गैलरी का लॉक खोल सकते हो बिना कोई डाटा डिलीट किए, ना तो फोन रीसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो हमारा गैलरी है ये लॉक है अभी, और इसी गैलरी लॉक को अभी हम खोल के आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस पासवर्ड को फॉरगेट कर लेना। और देखो, पासवर्ड फॉरगेट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक ऑप्शंस मिलते हैं रीसेट फ्रॉम सिक्योरिटी क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन मिलता है रीसेट थ्रू रिकवरी ईमेल। अब ये दोनों में से जो भी ऑप्शन आपके पास है उससे भी आप खोल सकते हैं। अगर आपके तीसरा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं शो कर रहा है तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो ला करके दूंगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से रीसेट फ्रॉम सिक्योरिटी क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको जो है वो यहाँ पे आपको अपना टीचर नेम डालना होगा। अब ये टीचर नेम को कैसे पता करना है, आपको अगर नहीं पता है तो आप हमारा इस पुराना वीडियो को ज़रूर से देख लेना। आपको नीचे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है उस वीडियो को देख करके आप आओगे तो आपको टीचर नेम पता चल जाएगा। और अगर आपको टीचर नेम फिर भी पता नहीं चलता है तो आप हमारा एक और वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया कि बिना टीचर नेम के भी आप लॉक कैसे खोल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी जो है वो हम यहाँ पे टीचर नेम को अपना डाल देते हैं जो मुझे पता है। तो हमारा टीचर नेम हमें पता है, मेरा टीचर नेम है अमित कुमार। तो मैंने यहाँ पे अपना टीचर नेम को डाल दिया है, और टीचर नेम जैसे ही मैं यहाँ पे डाल के ओके करूँगा तो हमारा टीचर नेम जो है वो ले लेगा और हमारा ये लॉक खुल जाएगा। यहाँ पे देख लो, जैसे ही मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है सेट प्राइवेसी पासवर्ड। तो अब हम यहाँ पे एक नया प्राइवेसी पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक पासवर्ड को रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पासवर्ड को चूज कर दिया है। अब यही पासवर्ड हमें फिर से यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस पासवर्ड को हम फिर से यहाँ पे डाल दिए हैं और हमारा यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेसी पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारा जो गैलरी का पासवर्ड मुझे नहीं पता था उसे अब मुझे मालूम चल गया है। अब मैं अपना गैलरी का पासवर्ड को डाल करके अपना गैलरी को अनलॉक कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप भी अपना गैलरी का लॉक जो है वो भूल गए हैं तो आप इस तरह से खोल सकते हो। काफ़ी आसान सा मैंने ट्रिक बताया। इस ट्रिक के हेल्प से आपका कोई डाटा भी नहीं गया और फ़ोन भी रीसेट नहीं करना पड़ा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जीमेल आईडी से कैसे खोल सकते हो प्राइवेसी पासवर्ड का लॉक।